तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं रवि की ऐसी लड्डू कि मुंह में डालते ही बिल्कुल मक्खन की तरह पिघल जाए और स्वाद तो ऐसी मानो सारे मिठाई फीके पड़ेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच घी और उसमें ड्राई फ्रूट को डाल करके हल्का सुनहरा फ्राई करेंगे। तो ये फ्राई हो चुका है, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कटोरी रवा। तो इसको डाल करके बराबर चलाते हुए भुनेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसको हल्का सुनहरा और खुशबू आने तक भून लेंगे। तो देखिए ये भून चुका है, तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसी कढ़ाई में डालेंगे 2 कटोरी दूध। तो 1 कटोरी सूजी था तो उसमें हम 2 कटोरी दूध डालेंगे। अब हम इसमें 1 कटोरी चीनी डालेंगे और इसको 1 उबाल आने तक वेट करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे ताकि कलर जो है बिल्कुल क्रीमी क्रीमी आए। आप चाहें तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं। तो देखिए उबाल आ चुका है, तो अब हम इसमें भुने हुए रवे को डालेंगे। तो इस तरह से डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें गांठें ना पड़े। इस तरह से हम डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे। तो देखिए अब हम इसमें 1 कटोरी कद्दूकस किया हुआ नारियल डालेंगे और ये है ड्राई फ्रूट और ये है किशमिश। तो इन सभी को डाल करके हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेनी है। अब हम इसका लड्डू बनाएंगे। तो हाथ में घी लगा लेंगे और ऐसे गोल गोल घुमाते हुए बिल्कुल गोल गोल लड्डू बना लेंगे। तो देखिए कितनी परफेक्ट लड्डू बन करके रेडी हो चुकी है। तो इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि मिठाई कैसे बने हुए। तो देखिए इस तरह से मैंने आधे मिक्सर का लड्डू बना लिया है। तो आधे मिक्सर में हम इस बेसन के लड्डू को मिलाएंगे। तो इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये लड्डू, एक बार आप खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसको मिक्स करके उसी तरह से गोल गोल लड्डू बना लेंगे। बिल्कुल पीली पीली लड्डू बनकर के हो चुकी है रेडी। तो बनाइए, खाइए और पूरे फैमिली को खिलाइए और कमेंट कीजिए कि लड्डू कैसे बने हुए हैं।